महंगाई से परेशान है, मोदी जी से परेशान नहीं है। अच्छा मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे महिलाओं के, अच्छे दिन आए या नहीं आए? अभी तक तो नहीं आए। तो फिर हमें क्यों नहीं मिलता, हमें क्यों नहीं मिलता, हम क्यों रोड पे पड़े हुए हैं? सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम सेंट्रल मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ लोगों से जानने के लिए आए कि लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है। महंगाई, बेरोजगारी इस बार मुद्दा रहने वाला है या राम मंदिर 370 इस बार मुद्दा रहने वाला है? तो यहाँ पर तमाम महिलाएं, इनकी दुकानें आप देख सकते हैं, ये घड़े, गुल्लक और तस्वीरें माता की बेचती हैं। और ये बताइए आपका काम काज कैसे चल रहा है? हमारा काम अभी बहुत मंदा चल रहा है। बहुत मंदा चल रहा है। काम ही नहीं है। घर का खर्चा निकल पा रहा है? वो भी मुश्किल निकल पा रहा है। अच्छा, हाँ। किस कारण से नहीं चल पा रहा आपका काम? हमारा पता नहीं क्यों, महंगाई की वजह से नहीं हो रहा होगा। हाँ। महंगाई बताते हैं, सारा सामान बेचते हैं जिसमें वो भी महंगा बताते हैं, कहीं इतना महंगा हम नहीं खरीद पाएंगे। हाँ। ऐसे ही बातें होती है। तो महंगाई पीछे से ही हो रही है क्या? हाँ, तो इस वजह से आपको भी बेचना पड़ रहा है? ऐसा ही हमने बेचना पड़ता है। हाँ। और बेचना क्या पड़ रहा है, हमारा बिकी नहीं रहा, कुछ माल बिकी नहीं रहा। अगर कुछ बिकी नहीं रहा तो दाल रोटी कैसे खाते हैं आप? बस एक सामान बिक जाता है उसी में दाल रोटी चल जाती है बस। महंगाई से परेशान है, मोदी जी से परेशान नहीं है। अच्छा, महंगाई से परेशान है, हमारे बच्चों का खर्चा नहीं चल पा रहा है। पर मोदी जी तो तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। मोदी जी को हमने देखा ही नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ से महंगाई हो रही है। प्रधानमंत्री को ही नहीं देखा आपने? नहीं देखा है। गरीबों के लिए काम करता हूँ मैं, गरीबों के लिए फ्री कर रखी है, लाइट कर रखी है, वो तो केजरीवाल दे रहे हैं। अब पता नहीं कौन है कौन नहीं है। 5 किलो राशन मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा। मम्मी को मिलता 20 किलो राशन। 20 किलो राशन। अच्छा मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे महिलाओं के, अच्छे दिन आए या नहीं आए? अभी तक तो नहीं आए। इससे पहले की सरकारें अच्छी थी या ये वाली सरकार अच्छी है? पहले वाली सरकार अच्छे थे। पता है आपको पहले की किसकी सरकार थी? कौन से थी? आंटी आप कुछ बोल रही हैं, महंगाई लग रही है आपको? देखो महंगाई तो शुरू से और अब तक है ही है, ठीक है, और पहले थोड़ा बहुत जो काम था अब तो वो भी बंद हो गया है। खर्चे निकालने भी मुश्किल है हमारे लिए, तो जो भी सरकार है सारी अच्छी है, बस काम चल जाए, काम खुल जाए हमारा, हमें और क्या चाहिए। बच्चों का खर्चा निकल जाए, राशन तो मिलता, राशन में क्या मिलता, गेहूं मिलते, चावल मिलते ना, चीनी मिलती है, पूरा राशन तो मिलता ही नहीं है कभी। दो आदमियों का नाम है बस, मेरे और मेरे हस्बैंड का। 8 किलो मिलता है बस, और 2 किलो चावल। राशन किस क्वालिटी का रहता है, खराब रहता है ठीक रहता है? नहीं रहता तो ठीक है, चल रहा है। कंकड़ पत्थर आ रहे इस टाइम तो, खराब ही चल रहा है राशन। हाँ खराब आ रहा है अभी तो, पता नहीं पीछे से क्या कह रहे हैं क्या, खराब आ रहा है, खराब आ रहा है वो ही हमें पकड़ा दे देते हैं। घर है, अच्छा प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने इतने करोड़ों लोगों को फ्री का घर भी दे दिया है, तो फिर हमें क्यों नहीं मिलता, हमें क्यों नहीं मिलता, हम क्यों रोड पे पड़े हुए हैं? देना तो दूर के, हमें भी तो देना चाहिए, हमें नहीं मिला अभी तक। तो फिर क्यों कहते हैं वो कि हमें इतने घर दे दिए? पता नहीं हमारे बारे में कहते हैं या पता नहीं और किसी के बारे में कहते हैं, हमें तो अभी तक पोस्टर तो बहुत देखते हैं पर हमारा ही नाम उसमें क्यों नहीं आता है? हम क्यों कास्ट से अलग है? हम भी तो कास्ट से अलग कर दिए, जब हमें मिलेंगे तभी तो आएंगे उनमें हम। अच्छा, हमें तो अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। मिला ही नहीं, और इसका ऑर्डर रहता कभी ये ना छिन जाए हमसे, छोटे मोटे जो हमारे हैं नए, तो हाँ यही क्या, कभी यहाँ से हटा देंगे, कभी स्कूल का लफड़ा, कभी रोड का, कभी क्या कहते हैं कि सरकारी जमीन है जब मर्जी हटवा सकते हैं, हमें तो इसका डर है, नया तो जब मिलेगा, नया तो कुछ मिलेगा ही नहीं। और लेबर कार्ड में आते थे पैसे पहले, लेबर कार्ड में, अब वो लेबर कार्ड भी बंद हो गए, उनमें भी नहीं आते पैसे, 1000-1000 रुपए लेडीजों के नाम आते थे वो भी बंद हो चुके हैं, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है लेडीजों के साथ। अब इसमें लेडीज से कोई भी गरीब भी है अमीर भी है, उनमें तो हमारी भी तो गिनती है, हम तो गरीब ही है ना। मोदी जी तो कहते हैं मैं महिलाओं के साथ हूं, हम भी महिलाओं के साथ ही है पर हमारी गिनती नहीं आती है। अच्छा हाँ, अच्छा यहाँ कभी विधायक वगैरह आते हैं? नहीं यहाँ पे आते ही नहीं है कोई, कोई नहीं आता, नहीं कोई नहीं, कोई नहीं सुनता हमारे। दिक्कतों का क्या क्या सामना करना पड़ता है? हमें तो सारी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है अभी तो, सारी दिक्कत ही दिक्कत हो रही है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, टाइम से रोटी तो मिलती नहीं है। अच्छा, इतने सुबह से लेके शाम तक रोड के ऊपर बैठे रहते हैं, धूप देखते रहते हैं, धूप में जलते रहते हैं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। चुनावों के बारे में सुना भी, चुनाव होने वाले हैं? होने वाले हैं, सुना तो है। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी आएंगे या फिर इस बार कोई और चेहरा बनेगा प्रधानमंत्री?
देख रहे हैं मोदी की, सुन रहे हैं बस हम तो भी। हाँ, आपको क्या लगता है काम कैसे किए मोदी जी? सही कर रहे हैं, कुछ हमारे लिए भी कर दे तो बहुत मेहरबानी। सारे अच्छे हैं। हाँ। मोदी जी भी अच्छे, केजरीवाल भी, जो कोई प्रधानमंत्री सब हमारे लिए अच्छे। नहीं, प्रधानमंत्री एक ही होता है। ना तो जो भी आ जाए हमारे लिए तो वही अच्छा है बस। हाँ, इधर आके बोलिए ना पीछे। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, इनसे पूछो अम्मा, अम्मा ये बताइए किसे देख रही है प्रधानमंत्री? मैं, मेरे को तो बोलना ही नहीं है। बोल तो रही है अच्छे खासे से। महंगाई वंगाई कैसी लग रही है? महंगाई तो सारी दुनिया को लग रही है, सबके लिए ही है, कोई एक के लिए थोड़ी है। अच्छे दिन आए आपके? नहीं, काम कम चल रहा है। अच्छा, बच्चों को रोजगार मिल रहा है? दाल रोटी बन जाती है, रोजगार नहीं मिल रहा। पहले की सरकार देखी थी आपने, वो ज्यादा अच्छी थी या सरकार अच्छी है? पहले भी सही थे सरकार, अब भी सही है। गरीब गुरबे के लिए तो सही कर रही है बहन। गरीबों के लिए कहते हैं मैंने इतना काम कर दिया मोदी जी ने, आपको क्या लगता है किया या नहीं किया? सबके लिए कर रहे हैं, मोदी भी कर रहे हैं, केजरीवाल भी कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी को देखा है गरीब? मोदी जी को नहीं देखा? टीवी पे देखा है, टीवी पे देखे है। भाषण नहीं सही लगता है, भाषण अच्छा देते, वो भी अच्छा देते, केजरीवाल भी। केजरीवाल अपने जगह केजरीवाल ठीक है और वो भी ठीक है। अच्छा, दोनों ठीक है। किसका अगर भाषण में से किसी एक का भाषण सुनना हो तो किसका भाषण ज्यादा अच्छा है? हाँ। उधर चले जाओ, मोहन में हुए तुम्हारे की सारी बातें। अच्छा, किसका भाषण ज्यादा, केजरीवाल या मोदी जी? नहीं, हम तो हमारे लिए तो दोनों ठीक है, हम किसी एक को नहीं चुन सकते है, जो आ गए वही अच्छे हैं। पर केजरीवाल को तो कह रहे हैं कि चोर है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, वो भी उन्होंने भी हमारे लिए अच्छा ही किया है। क्या क्या किया केजरीवाल? हमें बिजली फ्री करवाई। हाँ। पानी का भी बिल माफ है, फिलहाल तो हमारा कभी आया नहीं है। और काफी चीजों में हमें सुविधाएं मिली, ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर जनता से जानने के लिए आए थे, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता की हर एक तस्वीर, हर एक नुक्कड़ की, हर एक गली चौराहे की तस्वीर आपको दिखाए कि जनता इस बार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए क्या सोच रही है, क्या मूड बना रखा है। वही भाजपा कह रही है कि 400 पार और विपक्ष गठबंधन एकजुट हो चुका है, क्या इस बार भाजपा को हटा पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और 4 जून को किसकी सरकार बनेगी ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।